हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कुणाल महाजन हूँ। हम यहाँ मांडव हॉस्पिटल हिमाचल हार्ट इंस्टीट्यूट करके एक हार्ट का सेंटर खुला है, उसमें मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। और हम फॉर्चुनेट है कि हम यहाँ पिछले 6 महीने से हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट कर पा रहे हैं। कई पेशेंट्स हैं जो हार्ट अटैक से पहले जिनकी जान चली जाती थी, हम बड़े फॉर्चुनेट है कि हमें मौका मिल रहा है कि उनको ठीक कर पाएँ। आज एक ऐसी पेशेंट जिनको हमने लास्ट वीक ट्रीट किया है, मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। आंटी का नाम मिसेस बिमला देवी है एंड ये लास्ट वीक हमारे पास आए थे हार्ट अटैक की स्थिति में, रेफर होके आए थे चेल चौक से। अब इनसे ही पूछेंगे कि इनको कैसा लगा। आंटी, जब लास्ट वीक आप आए थे पिछले हफ्ते, क्या दिक्कत हुई थी? छाती में दर्द हुआ था, दिक्कत आ रही थी चलने उलने में, क्या हुआ था? हाँ, छाती में धड़कन बढ़ गई थी तो पहुंचा रहे और चलने में दिक्कत हो रही थी। कितना चल पा रहे थे तब, क्या हो रहा था? बस चार पाँच पौड़ियाँ हैं चढ़ी हैं बस, उसी में दर्द हो जा रहा था। हाँ। जब आप आए थे तब तो आपके यहाँ पे बिल्कुल बड़ा भारी दर्द था, बोलो कि चला नहीं जा रहा। नहीं चला जा रहा था। ओके, तो जब ये आए थे तो इनको हार्ट अटैक था एक्चुअली, जो इनका नोटिस गया था वहाँ पे पेरिफेरी में, जहाँ पे इन्होंने दिखाया, उन्होंने उनको एडवाइस किया कि आप जल्दी से जल्दी जाके किसी हार्ट के सेंटर पे जाइए, और फॉर्चुनेट रहे कि ये यहाँ पे टाइमली पहुंचे। उसके बाद हमने इनकी एंजियोग्राफी करी, एंजियोग्राफी करके हमने पाया कि इनकी हार्ट की तीनों नसों में क्रिटिकल ब्लॉकेजेस थी, एक नस में ऑलमोस्ट 95% और बाकी दो नसों में 90%। तो हमने इनकी तीनों की तीनों नसों में स्टेंटिंग किया, एक एक स्टेंट लगा इनके, और उसको हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की, हमने एक इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड होता है जिससे पेशेंट के लॉन्ग टर्म आउटकम्स बेटर होते हैं, वो हमने यूज किया। और बेस्ट ऑफ मशीनरी जो भी अवेलेबल है, हमारे यहाँ की जी की कैथ लैब लगी है विच इज वेरी गुड, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है जिससे फायदा होता है, मरीज के रिजल्ट्स बेटर होते हैं, वो सब हमने यूज किए। और उसके बाद आंटी ठीक रही, इनको एक दिन हमने और एडमिट रखा और उसके बाद इनको छुट्टी की। आंटी, हॉस्पिटल में आए थे तो क्या डाउट्स थे आपको? है ना, एक होता ना कि डर होता है कि क्या होगा मेरे साथ, प्राइवेट अस्पताल है, क्या होगा? और जब आप यहाँ रहे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे को जब मैं आई थी, जब हमारे को उसे रेफर किया था इधर, तो मैं उसी से समझ गई थी कि मैं कहीं सही जगह जा रही हूँ इस टाइम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। मैं आई, आपने बहुत अच्छा किया भाई, मेरा इलाज बहुत अच्छे ठीक ढंग से हुआ। और अस्पताल में स्टाफ के बिहेवियर, और स्टाफ बहुत ही अच्छा है यहाँ का स्टाफ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने घर जाकर के भी बात की कि भैया दी बीमारी तो स्टाफ ही ले गया मेरी। बहुत बढ़िया। और उसके बाद आंटी, आपको कोई दिक्कत हुई, मतलब जब से घर गए आप ठीक रहे महसूस कर रहे हैं? आपको कोई दर्द वगैरह? नहीं, मैं ठीक है महसूस कर रही हूं। दवाइयां आपको कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई फोन पे जब आप कोई क्वेश्चन पूछते, कोई कॉपरेशन यहां पे कोई दिक्कत आई हो? नहीं। आपका बहन जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप मदर को लेकर आए थे उस दिन, बहुत घबराए हुए थे आप, है ना, तो उस दिन और आज में आप कैसे महसूस करते हैं? फर्क बहुत रिलीफ है कि खुश है बहुत ज्यादा, कि उस दिन तो हमारी हालत ठीक नहीं थी, हम सोचते थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत डर था, लेकिन बहुत अच्छा।